तो गर्मी एंजॉय कर रहे हो यार? काफी ज्यादा गर्मी है। सो गाइस, हे एवरीबॉडी, दिस इज आशीष ठाकुर फ्रॉम मिशन नेचुरल फिटनेस। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप थंबनेल ऑलरेडी देख चुके हो, और गर्मी के इस गर्म गर्म मौसम में आपको कुछ ठंडी ठंडी न्यूज़ देने आया हूँ, जो आपके कानों को और आपके बदन को काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडक प्रदान करेगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। पर टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, एज यूजुअल, जो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया ना, तो कर लो यार, वहीं क्वेश्चन पूछा करो। कई जानों को मैं इंस्टाग्राम पर ही रिप्लाई देता हूँ। सो गाइस, प्लीज़ फॉलो अल्फा आशीष ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना अपना टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो गाइस, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि कई सारे हमारे इंडियन पब्लिक्स, इंडियन जो पीपल्स है, जो यंगस्टर्स है, एज्ड है, लेडीज़ गर्ल्स, सबको ये है कि भाई हमें जिम जाना है, हमें जिम कब ओपन होगा। यहाँ तक कि जिम ट्रेनर्स भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है इस चीज़ को लेकर कि कब जिम ओपन होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की कमाई बंद हो चुकी है। जिम से रिलेटेड जो भी अर्निंग्स थी वो सारी क्लोज अप हो चुकी है। दैट्स वाई काफ़ी सारे लोगों को ये न्यूज़ अभी तक नहीं मिली है कि कब जिम ओपन होगा। तो देखा जाए तो अभी हम फेज़ 2 में भी चल रहे हैं, जुलाई के अंदर भी फेज़ 2 में ही है हम। अगस्त से हमारा फेज़ 3 लग जाएगा, जिसमें उम्मीद है कि क्योंकि अभी तक फेज़ 1 और फेज़ 2 के अनलॉक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें खुल चुकी है, बट अब फेज़ 3 जो अगस्त में लगेगा, उसमें एक उम्मीद है एक कि हाँ, अब जिम ओपन हो सकते हैं। क्योंकि अभी कई सारे लोगों ने, मतलब जो ये प्रभात भास्कर है, इसके अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ है, आर्टिकल है। मैं आपका PDF आपको शेयर करूंगा, या लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगा, आप प्लीज़ आके चेकआउट करो उस आर्टिकल को। उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि केंद्र सरकार ने ये एक बड़ा निर्णय लिया है कि जिम्स को, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को 31 जुलाई को रीओपन किया जाएगा, और फेज़ 3 में इसको ओपन किया जाएगा। तो ये उम्मीद है, नॉट फॉर श्योर, ये श्योर नहीं है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे वीडियोस को क्रिएट कर रहे हैं कि इस दिन खुल जाएगा, कंफर्म हो जाए, इस दिन कंफर्म है, या फिर 31 जुलाई को, 1 अगस्त को। देखिए, कंफर्म कुछ भी नहीं होता आज के, अब भी कोरोना के टाइम पे कंफर्म कुछ भी नहीं। मैं आज का न्यूज़पेपर ही बता दूँ आपको। तो गाइज, ये आज का न्यूज़पेपर है, सॉरी नॉट, मैं न्यूज़पेपर पूरा अपने साथ रखता हूँ। ये आज का न्यूज़पेपर है और ये मेरे एरिया की है, राजस्थान में। देखिए गाइज, 49 अभी और केस आ गए हैं, ठीक है ना, और 1000 की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो गाइस, ये सबको देखते हुए अगर कोई आपको यूट्यूब पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कंफर्म हो गया है, 100% श्योर है, या फिर अब जिम ओपन होने ही वाले हैं, तो उन बेवकूफ़ों की गधों की बातों में मत आओ। क्योंकि देखिए, 1000 की रिपोर्ट अब आनी बाकी है राजस्थान में। तो गाइस, कुछ भी हो सकता है, खुल भी सकते हैं, नहीं भी खुल सकते हैं, इसलिए मैं भी श्योर नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि फेज़ 3 में जो चीज़ें अभी बंद है, जो भी जिम्स हुए, पूल्स हुए, स्विमिंग पूल्स हुए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हुई, तो ये फेज़ 3 में रीओपन करने की अभी बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार में ये निर्णय लिया जा रहा है कि हाँ, ओपन हो सकते हैं, बट नॉट फॉर श्योर कि हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये सूत्रों से इनको पता पड़ता है कि हाँ भाई, ओपन हो सकते हैं, बट नॉट श्योर, श्योर नहीं है कुछ भी। तो गाइज़, प्लीज़, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अभी तक कोई एक्चुअल न्यूज़ नहीं है कि फेज़ 3 में ओपन हो जाएंगे। काफ़ी सारी ये भी न्यूज़ आ रही है कि आर्टिकल में आप पढ़ रहे होंगे लास्ट में, कि आप अपनी रिस्क पे जिम को रीओपन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता गाइज़, अपनी रिस्क और हमारी रिस्क कुछ नहीं होती है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या खोल सकती है, क्या खोल नहीं सकती है। जब तक कि न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में हमें रीओपन के बारे में कोई एक्चुअल न्यूज़ नहीं मिलेगी, तब तक हम इंटरनेट की न्यूज़ पर नहीं कर सकते भरोसा। सो गाइस, इसलिए अभी कोई श्योर नहीं है कि 1 अगस्त को भी जिम ओपन हो सकते हैं, कोई श्योर नहीं है। तो गाइस, इसलिए ये एक उम्मीद है कि हाँ, 1 अगस्त तक या फिर 31 जुलाई को जो फेज़ 3 में हम एंटर करेंगे, तब उम्मीद है कि जिम रीओपन हो सकते हैं। केंद्र सरकार का ये एक बड़ा फैसला है कि हाँ, जिम रीओपन हो सकते हैं, एक उम्मीद है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद ही लगा सकते हैं, होप सो कि खुल जाए। काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मी टू। तो गाइस, प्लीज़, मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना सपोर्ट करो, ताकि हम अब आज से डेली जिम रीओपन के ऊपर हमारे वीडियोज़ को क्रिएट कर सके, और एक्चुअल न्यूज़ आपको प्रोवाइड कर सके, और आप एक्चुअल न्यूज़ देखा करो। नॉट श्योर कि जिम ओपन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
सो आज के लिए इतना ही था गाइस, अभी देखते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है 1 अगस्त से शायद फेज थ्री में जैसे ही हम एंटर करेंगे रीओपन हो सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज आशीष ठाकुर फ्रॉम मिशन नेचुरल फिटनेस, साइन आउट।